भाई बच्चों, जैसा एक पिछले टर्म में आपको बताया था, इसका 10वां सवाल भिन्नों को हम कैसे जोड़ते हैं, उसी के अंतर्गत आज आपको कहा है भिन्नों का घटाना, भिन्नें कैसे घटाई जाएंगी। इसमें 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, इसमें 8 पार्ट दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो हम इसको लास्ट वाला पार्ट उनको बता रहे हैं, जी वाला, और शेष जो पार्ट है आपके होमवर्क में है, अगर ना लगे तो अगले टर्म पूछना। तो एच दिया हुआ है 4 सही 1/16 माइनस 2 सही 5/12 ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको विषम भिन्न में बदला जाए। विषम भिन्न करने के लिए क्या करते हैं, हर और पूर्णांक गुणा करते हैं और अंश में जोड़ दिया जाता है। तो आपका पूर्णांक कितना है, 4, हर कितना है 16, अंश कितना है 1 है। तो 16 का पड़ा 4 बार पढ़ेंगे, 16 64 64 में एक जोड़ा कितना हो गया 65/16 माइनस, इसी प्रकार से इसको भी हल करना है, विषम भिन्न बदलना है, 12 दूनी 24 बार कितना हो गया 29। इतना तो आपको पता ही है, छोटी कक्षाओं में आपको बताया है। अब क्या करेंगे, अब देखते हैं, हमें घटाना है ये 65/16 कितना दिया 29/12 है। ये संख्या नहीं घट रही है क्योंकि इसके हर बराबर नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके हर बराबर करेंगे। हर कैसे बराबर किए जाते हैं, हरों का लसा लेकर के, यहाँ देखेंगे हरों का लसा लेने पर, तो आपके साइड में जगह होगी तो यहाँ से लसा निकालेंगे। कितना है 16 है 12 है, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 16 हो गया, 2 12 हो गया, फिर इसको 2 से 4 और 3 आया, फिर 2 से 2 आया, 1 3 आया, फिर 2 से 1 3 से 3 से, जब तक 1 ना काटते रहते हैं। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 48। तो हमारा लासा कितना आ गया 48 आ गया। अब क्या करेंगे, लासा को हमें नीचे लिख दिया, आप पहली भिन्न जो कितनी है 65/16 है, तो क्या करें 65 अंश लिख लिया, थोड़ा गुणे, अब हर से लासा को भाग करेंगे साइड में, 16 इसका है, 16 से 48 को भाग दो, 16 16 16 32 16 48 आया, घटा दिया। तो हमने इसको किससे बराबर दिया, 3 से, चिन्ह कौन सा लगाया माइनस, अगले भिन्न का अंश दे दिया है 29, अब क्या करेंगे इसका अंश दे दिया है 12 12 से 48 को भाग करो बच्चों 48, तो इसको कितने गुणा करेंगे 4। आप क्या करेंगे, इसकी गुणा कर लीजिएगा, 5 15 एक आ गया, 3 6 18 19 माइनस 4 9 36 का 6 हाथ 3 4 3 8 3 11 48 हो गया। अब क्या करें, इसको घटाएंगे, तो अब ये जो दिया हुआ है 195 है, 195 से 116 हटा दो, 5 से 6 नहीं करता तो दहाई लेंगे, तो यहाँ 15 15 में से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 9 आ गया, यहाँ कितना बच गया 8, क्योंकि इसको दहाई दिया थे कम हो गया, 8 में से 1 निकल गया 7 आ गया। तो ये हमारा कितना आ गया 79/48। अब तुमने देखा कि ये जो है हर, इसका छोटा है, अंश बड़ा है, विषम भिन्न है, तो क्या करेंगे हर से अंश को भाग कर देंगे, तो 48 है, 48 से 79 को भाग करेंगे, 48 गुना अधिक हो जाएगा, तो इसको हम एक बार ले जाएंगे, 48 हो गया, तो घटा देंगे यहाँ पर 9 से 8 गया 1 आ गया, 7 से 4 निकल गया 3 आ गया, तो हमारा आंसर क्या निकल आया बराबर 1 सही 31/48, ये आपका आंसर हो गया। और इसके जो शेष पार्ट हैं आप लोग घर से होमवर्क कर लेंगे, जो ना लगे इसको अगले